चलिए गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 की सारी थ्योरी क्वेश्चंस, राइट। और अगर आप लोग प्रीमियम मेंबर्स हैं, आपके पास हमारे कोर्सेस का एक्सेस है, तो इसके बाद के एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके ऐप के ऊपर। और अगर आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपके लिए इसका पूरा सारा इलस्ट्रेशन वाला कॉन्टेंट फ्री रहेगा। इसके सारे एक्सप्लेनेशंस, कॉन्सेप्ट्स आपके लिए फ्री रहेंगे, आप आराम से एंजॉय कीजिए इसको। और जिस किसी को भी हमारे प्रीमियम कंटेंट पाना है, वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो आपको पता है www.shapers.education.com। वहां जाके आप हमारे सारे प्रीमियम कंटेंट का मजा ले सकते हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कुछ नोट्स बनाने के लिए। आपको बहुत जल्द हम कुछ अच्छा खासा फ्री कंटेंट देने वाले हैं, जहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आप तक अवेलेबल रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, वो फ्री में रहेंगे, जो हमारी सारी आम जनता के लिए, यूट्यूब वाली सारी जनता के लिए, टेलीग्राम पे जो लोग हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए, उन सबको हम फ्री में देने वाले हैं। ये इतना अच्छा कंटेंट हम आप लोगों के लिए डेवलप कर रहे हैं। बट जो चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन रहेंगे डिटेल्ड वाले, वो सब सिर्फ ऐप पे अवेलेबल रहने वाले हैं। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये पूरा बेस कोर कॉन्सेप्ट है गुडविल का। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए आराम से टिक के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही लेक्चर में आपका पूरा गुडविल का चैप्टर खत्म करने वाला हूँ। आज ही के दिन में पूरा गुडविल के चारों मेथड्स खत्म हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख जाओगे। मैं हर किसी से कहता हूँ, जब भी अकाउंट्स पढ़े पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट आएगा तो फॉर्मूला तुम खुद बना लोगे यार, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स का, जिसका नाम है गुडविल। वैसे तो ये चैप्टर के अंदर गुडविल नाम हर आदमी बहुत इजीली समझता है। ये चैप्टर का जो नाम है वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, फिर भी बिजनेस में गुडविल क्यों इंपॉर्टेंट है आज पहले वो समझते हैं। तो सुनना ध्यान से, हर बिजनेस अपने नाम का प्रीमियम लेता है। हम बहुत बार समझ नहीं पाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, क्यों होते हैं हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट को यूज करने का सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, कहीं ना कहीं उनकी सर्विसेज अच्छी होती है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनकी इतनी इंक्रीज्ड प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, या कुछ ऐसी कंपनी के साथ हमारी लॉयल्टी होती है कि हम उसको ज्यादा पैसे देके भी रात को चांसेस होते हैं। सो वो और कुछ नहीं है, कंपनी की गुडविल है, वो कंपनी के पुराने कर्मों का फल है जो कंपनी को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम गुडविल मेजर कैसे करें यार। एक सिंपल सी बात है, अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए प्रीमियम दे रहे हो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, आई एम परचेसिंग एन आईफोन। अब एक आईफोन लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख के बीच का आता है, तो अब अगर मैं एक आईफोन 1 लाख रुपए का खरीद रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसमें फोन की कॉस्ट कितनी और कंपनी की गुडविल कितनी है, पहला सवाल ये। दूसरा, अगर कंपनी की गुडविल भी है तो इज इट नेसेसरी टू वैल्यू गुडविल, क्या जरूरी है गुडविल को वैल्यू करना। तो देखो यार, एक आम लाइफ में हम गुडविल को अलग से वैल्यू नहीं करते, इनफैक्ट गुडविल को वैल्यू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपके नाम की कितनी कमाई और आपके काम की कितनी कमाई है। बट जब कभी भी बिजनेस बेचे जाते हैं, अक्वायर किए जाते हैं, मर्ज होते हैं, डिमर्ज होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर तरीके से बिजनेस में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तब सारे पार्टनर्स को, सारे ओनर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को उनके नाम का, उनके मेहनत का पैसा चाहिए, और उसे कहा जाता है गुडविल। सो एक सिंपल सी बात समझते हैं, अब गुडविल मेजर करने के, एक बिजनेस की अगर गुडविल क्रिएट हो रही है तो उसके थाउजेंड्स ऑफ रीजंस होते हैं। कभी कभार बिजनेस का लोकेशन अच्छा है, अगर हम बात करते, चलिए एक जनरल एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, हम बात करते हैं एक होटल के, एक रेस्टोरेंट के, जहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं। हो सकता है वो रेस्टोरेंट अपने आसपास के सारे रेस्टोरेंट से ज्यादा पैसे चार्ज करता है, वो थोड़ा महंगा रेस्टोरेंट है, उसके आसपास में सस्ते रेस्टोरेंट है, फिर भी उसमें ज्यादा भीड़ है। क्यों भीड़ है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसका खाना टेस्टी ज्यादा होगा, वो बहुत अच्छी सफाई मेंटेन रखता है, किचन बहुत नीट एंड क्लीन होगा, स्टाफ बहुत अच्छा बिहेव करता होगा, अंदर का एम्बियंस बहुत अच्छा होगा, उसका लोकेशन थोड़ा ज्यादा प्रीमियम होगा, एंड मेनी अदर रीजंस मे बी पॉसिबल। हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन से रेस्टोरेंट की गुडविल ज्यादा है, कौन से रेस्टोरेंट की गुडविल कम है? तो भैया एक सिंपल सी बात समझ लो, वो गुडविल ही क्या जिसको आप एनकैश नहीं कर सकते हो। अगर आपकी मार्केट गुडविल शानदार है तो आपको उस गुडविल को एनकैश करना आना चाहिए, मतलब आपको उस गुडविल को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मतलब एक सिंपल बात समझ लो, गुडविल का डायरेक्ट ताल्लुक है प्रॉफिट के साथ। अगर आपका बिजनेस मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो समझ लेना आपका गुडविल शानदार है, और वही अगर आपका बिजनेस मार्केट के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, मतलब आपके बिजनेस का गुडविल ना के बराबर है।
तो आपको गुडविल मेजर करने का सबसे सिंपल तरीका है प्रॉफिट। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट इज द यार्डस्टिक और बैरोमीटर फॉर बिजनेस सक्सेस। प्रॉफिट हर चीज है बिजनेस के लिए। तो इसलिए आज हम लोग हमारी सारी की सारी गुडविल को मेजर करने का तरीका सीखेंगे। बट सबसे बेसिक चीज हम सीखेंगे कि अगर हम जब कभी भी गुडविल को मेजर करना चाहेंगे तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक होगी प्रॉफिट, राइट। सो ये है आपकी टेक्सटबुक। आज मुझे टेक्सटबुक की जरूरत नहीं है तो मैं इस टेक्सटबुक को आज के लिए हटा देता हूं। आई डोंट नीड टेक्सटबुक। मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन यहां पे देने वाला हूं, आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहिएगा। सो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गुडविल क्या होता है और गुडविल के कितने मेथड्स हैं। सो समझना ध्यान से, गुडविल वैल्यू करने के टोटल चार मेथड्स हैं। सबसे पहला होता है सिंपल एवरेज मेथड या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। थोड़ा बहुत नाम 19-20 होता है, हर बुक्स में अलग अलग रह सकता है। तीसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और आखिरी होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। सो इस तरीके से गुडविल मेजर करने के टोटल चार मेथड्स होते हैं। हम आज इस वीडियो में ये चारों मेथड समझने वाले हैं, चारों का कॉन्सेप्ट सीखने वाले, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक पूरा। तो सबसे पहला हो गया सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा हो जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा हो जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड और चौथा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस तरीके से गुडविल मेजर करने के टोटल चार मेथड्स होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम एक एक मेथड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा आज का सबसे पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड खुद नाम अपना नाम ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया ये मेथड बहुत ही सिंपल है। यहां पे आपको बचपन वाला काम रिपीट करना है। आपको सबसे पहले लास्ट कुछ सालों के, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि कितने साल है, लास्ट कुछ सालों के प्रॉफिट निकालने हैं और उनका एवरेज करना है। लेट अस सपोज हमें क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। चलिए तो मैं पहले लास्ट 5 साल का एवरेज निकालूंगा। तो मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? एवरेज निकालना हम सबको आता है। जितना भी प्रॉफिट है लास्ट 5 years का उसको प्लस कर दो, अपॉन नीचे लगा दो नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमारे लास्ट 5 year का प्रॉफिट हो गया 5 lakh rupees डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 lakh rupees। तो ये हो गया मेरा सिंपल एवरेज प्रॉफिट कि पिछले 5 सालों से एवरेजली मैं हर साल 1 lakh rupees कमा रहा था। ये आ गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते गुडविल निकालने के लिए। सो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेजेस। ये ईयर्स ऑफ परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, एक टर्म समझिए। ईयर्स ऑफ परचेज मतलब हम क्या मानते हैं कि कंपनी के नाम का कितने साल तक हमें फायदा मिलेगा। ये बेसिकली नेगोशिएट करके डिसाइड किया जाता है। दोनों टेबल पे लोग बैठते हैं और वो नेगोशिएट करते हैं कि उनके हिसाब से कितने साल तक कंपनी को उसके ब्रांड का बेनिफिट सामने वाले को मिल जाएगा। खाली नाम के कारण पैसा कमा लेंगे, दैट इज इयर्स ऑफ परचेज। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सिंपल तरीके से दिया रहेगा। तो चलिए लेट अस सपोज, अब हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो हमें दे रखा है 1 lakh। अब बात करते हैं इयर्स ऑफ परचेजेस। लेट अस सपोज क्वेश्चन में मेंशनड है 3 years, तो भैया टोटल गुडविल कितना हो गया? ये हो गया हमारा टोटल गुडविल, सिंपल एकदम। तो दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना, सबको आता है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, हमें मिल जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फिर निकालना है गुडविल, उसका भी फॉर्मूला बहुत इजी है, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेजेस। निकाल दो आंसर, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1 lakh, ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैंने अज्यूम किया है लेट अस टेक 3 years, आपका टोटल गुडविल आ गया 3 lakh का। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका सबसे पहला मेथड।
अब आते हैं हमारे दूसरे मेथड पे। हमारे दूसरे मेथड का नाम है मेथड नंबर टू, जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। यार ये मेथड समझाने से पहले मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं कि क्या जरूरत पड़ी कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कि हमें सारे प्रॉफिट को वेट देना पड़ गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो ये मेथड बड़ा ही लॉजिकल है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। होता यूं है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे चीजों को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दिया, मतलब हमने लास्ट ईयर को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया जितना आज से 5 साल वाले प्रॉफिट को दिया था। जो 5 साल पहले प्रॉफिट हुआ था उसका भी उतना इंपॉर्टेंस था जितना जस्ट पिछले साल हुआ था। भैया ये तो गलत है यार, 5 साल पहले तो बिजनेस बना था, तब तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। अब 5 सालों में हमने बिजनेस को इतना ग्रो कर दिया, हमारा हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो गलत बात है कि 5 साल पहले वाले प्रॉफिट को और करंट ईयर के प्रॉफिट को आप बराबर इंपॉर्टेंस दें, बिल्कुल गलत है। तो वेटेड एवरेज ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वेटेड एवरेज ने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास 5 ईयर्स है, लेट अस टेक 2021, 2022, 2023, 2024, चलिए 4 साल है मेरे पास। लेट अस सपोज हमारा हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है। पहले साल मेरी सारे के सारे प्रॉफिट्स इन करोड़ है, तो पहले साल मेरा प्रॉफिट था 100 करोड़, दूसरे साल बढ़ के हो गया 150 करोड़, तीसरे साल और मजा आ गया 250 करोड़, और चौथे साल मेरा प्रॉफिट पहुंच गया 300 करोड़ पे। मेरा हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर इस स्पीड में, इस ग्रोथ में मेरा प्रॉफिट चला तो अगले साल 2025 में मैं 350-400 करोड़ का प्रॉफिट आराम से कमाऊंगा। अब अगर मैंने सबको बराबर इंपॉर्टेंस दिया तो गलत हो गया यार, करंट ईयर को वेट ज्यादा देना चाहिए, इस ईयर तो आगे जाके प्रॉफिट तो इस ईयर के बेस पे बढ़ने वाला है। इसलिए वेटेड एवरेज कहता है कि आपको प्रॉफिट को वेट देना चाहिए। वेट अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो वो दे दो, नहीं हो तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1, 2, 3, 4, हम अपने मन से वेट दे सकते हैं। नॉर्मली वेटेड एवरेज मेथड कब यूज किया जाता है, पहली सिचुएशन जब आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और दूसरी सिचुएशन जब क्वेश्चन में बोला हो। अगर क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट भले इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो भी वेटेड कर देना, होशियारी मत लगाना कि सर आपने तो कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ही करेंगे, गलत बात है। क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन भगवान है, अगर क्वेश्चन ने कहा करना है तो करना, डिस्कशन एंड। चलिए तो अब मैं प्रॉफिट इंटू वेट करके निकालूंगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालते हैं भैया, तो 100 × 1 100, 150 × 2 300, 250 × 3 750, एंड 300 × 4 1200, बराबर है। चलिए इसका टोटल करेंगे तो 700 + 1200 1900 2000 2300 2350, कितना आ गया दोस्तों 2350। लेट अस सॉल्व इट आउट नाउ। अब हमें पता है हमारा टोटल वेट कितना है 10, तो हमारा फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कितना है गाइस 2350, और टोटल वेट कितना है हमारा, टोटल वेटेड 10 इयर्स। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 235 करोड़। आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सेम, वही फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेजेस, ये हमेशा आपको गिवन रहेगा। तो कर देते हैं 235, लेट अस सपोज इयर्स ऑफ परचेज 2 इयर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 470 करोड़। और इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, दिस टॉपिक एंड्स हियर। आ रही है भैया बात समझ में, सिंपल एकदम। सो ये हो गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही लॉजिकल मेथड है, एग्जाम में आने के चांसेस है, ये मेथड को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं इन दोनों मेथड के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब इन दोनों मेथड में जो हम प्रॉफिट यूज करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि वो प्रॉफिट एक नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि उस प्रॉफिट में कोई भी अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस नहीं होने चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा उस नेट प्रॉफिट के अंदर अगर कोई अबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर दो, और अगर कोई अबनॉर्मल लॉसेस है तो भैया उसको प्लस कर दो।
मतलब हमें अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉसेस को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अचानक होने वाले प्रॉफिट के कारण गुडविल की वैल्यू पे अगर इंपैक्ट आएगा तो वो इंपैक्ट गलत है, अकाउंट्स हमारा करेक्ट नहीं है। इसलिए ऐसे प्रॉफिट को हटा दो भैया, ये प्रॉफिट रोज नहीं होने वाला है, कभी कभार हो गया, हटाओ इसको। राइट, एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, अबनॉर्मल के बता रहे, एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, क्या आप रोज जमीन बेचोगे? रोज जमीन के कारण प्रॉफिट होगा, इसके कारण क्यों नेट प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, इसको क्यों आप लोग गुडविल में कंसीडर कर रहे हो, हटाओ इसको। वैसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट क्या रोज बेचने वाले हो? क्या इन्वेस्टमेंट बेचना आपका बिजनेस है? ऑफ कोर्स नहीं सर, ये अबनॉर्मल गेन्स है, इसको रिवर्स करना, इसको माइनस करना है। वैसे ही कभी कभार बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाते हैं जो कभी कभार वाले है यार, जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर। क्या हमारे बिजनेस में रोज आग लगती है? नहीं लगती है। सेम वे अभी कोविड के कारण कितने बिजनेसेस में लॉसेस हुए थे? क्या कोविड रोज आता है? नहीं आता है। दीज आर अबनॉर्मल लॉसेस, इन लॉसेस को भी कंसिडर करना नहीं चाहिए, इन लॉसेस को भी रिवर्स करो और प्रॉफिट को बढ़ा दो। भैया ये लॉसेस रोज के नहीं है, पहली बार हुए हैं, इसको गुडविल वैल्यूएशन में हम कंसिडर करने वाले नहीं है। सो मेक श्योर ऐसे लॉसेस का भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए आप जब कभी भी दोनों मेथड या फिर कोई भी मेथड यूज करें गुडविल कैलकुलेशन के लिए, तो जो प्रॉफिट आप लेंगे दैट प्रॉफिट मस्ट बी अ नॉर्मल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमेशा से एक नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट में अबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर दो और अबनॉर्मल लॉसेस को फिर से एड बैक कर दो, और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दैट विल बी अ नॉर्मल प्रॉफिट। याद रहेगा प्यारे बच्चों सबको? चलिए मैं चाहूंगा 2 मिनट लेके आप इसको कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे वाले दोनों मेथड को मैं साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनको कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा। इसलिए आगे वाले दोनों मेथड थोड़े से इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अच्छे मेथड्स है दोनों। इसके बाद में हमारे 2 मेथड्स बच रहे हैं, जिसमें पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए गाइज, ये दोनों मेथड में एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमारे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड था लेट अस टेक 10 लाख रुपए का, ठीक है भैया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे बिजनेस में लोग कमाते हैं वो नॉर्मली 15% कमाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, कि भैया नॉर्मली जिस इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं, लेट अस टेक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जिस इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री में नॉर्मली आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पर 15% आप रिटर्न कमाते हो, ठीक है। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट रहा है, हमने इस साल प्रॉफिट जनरेट किया है 2,50,000 का। हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया भैया? हमने प्रॉफिट जनरेट किया है 2,50,000 का। आप चाहो जितना ले सकते हो। चलिए मैं एक बार कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको ले लेता हूं 20%, आपका कैलकुलेशन थोड़ा हल्का हो जाएगा इसलिए। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, नॉर्मल रिटर्न हम जिस इंडस्ट्री में लोग 20% आराम से कमा लेते हैं, हमने कमाया है 2.5 लाख रुपए। और एक आंकड़ा ले लेते हैं, इयर्स ऑफ परचेज, लेट अस सपोज इयर्स ऑफ परचेज है 4 इयर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। देखो दोनों मेथड्स में आंसर्स अलग ही आएंगे, बट दोनों मेथड में सोचना कैसे वो मैं आज आपको सिखाता हूं। फॉर्मूले वॉर्मूले भूल जाओ, फॉर्मूले को जाने दो, कॉमन सेंस से आंसर्स निकाल दे। फॉर्मूले तुम टेक्स्ट बुक देख देख के रट लोगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। मैं आपको फॉर्मूले से नहीं कॉमन सेंस से आंसर सिखाता हूं। चलिए समझते हैं कैसे। सुपर प्रॉफिट मेथड हमेशा से प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देता है। किसको इंपॉर्टेंस देता है? सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब है हम दुनिया से कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मतलब मेरे आसपास के कॉम्पिटिटर जो पैसा कमा रहे हैं उनसे मैं कितना ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। मतलब अगर लोग 1 लाख कमा रहे हो और मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं तो मैं उनसे 50 ज्यादा कमा रहा हूं, दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला तुमने बना लिया, कैसे बनाया? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, माइनस दुनिया कितना कमाती है, यानी कि लोगों का प्रॉफिट कितना है। आप इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलो या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है, ठीक है भैया। तो चलिए, मैंने एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया ये क्वेश्चन में दिया हुआ है,
मैंने कमाया है प्रॉफिट 2.5 लाख। ठीक है भैया, दुनिया कितना कमाती है? दुनिया कमाती है कैपिटल एम्प्लॉयड का 20%, यानी कि 10 लाख का 20% जो कि होता है 2 लाख। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 2 लाख। अब सुनो ध्यान से, दुनिया कमाती है 2 लाख, मैंने कमा के दिखाया है 2.5 लाख, मतलब मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया लोगों से? 50,000। ये हो गया मेरा सुपर प्रॉफिट। मैंने लोगों से कितना एक्स्ट्रा कमाया है? 50,000। दिस इज माई सुपर प्रॉफिट। कैसे निकाला? फिर से कॉमन सेंस, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया माइनस दुनिया कितना कमाती है। जो मैंने कमाया दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट, जो लोग कमाते दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। कैपिटल कितना था? 10 लाख। नॉर्मल रिटर्न कितना? 20%। 10 लाख का 20% 2 लाख, मतलब दुनिया कमाती है 2 लाख, मैंने कमाया 2.5 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। गुडविल निकाल लो, खत्म हो गया सम। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेजेस। सुपर प्रॉफिट हो गया है भैया 50 लाख, 50,000 आई मीन, इयर्स ऑफ परचेज है 4 इयर्स, तो आपका आंसर आ गया 2 लाख। तो यहां पे आ गई मेरी गुडविल 2 लाख रुपए की एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। अब समझते कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है। तो सुनना ध्यान से, कैपिटलाइजेशन भी कैपिटल को कंपेयर करता है। देखो नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, कैपिटलाइजेशन मेथड किसको कंपेयर करता है? कैपिटल को कंपेयर करता है। कैसे करता है देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है कि नॉर्मल रिटर्न दुनिया कितना कमा रही है भैया? 20%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं 100 रुपए का, तो मैं प्रॉफिट कमाता हूं 20 रुपया। नॉर्मल रिटर्न का यही तो मतलब होता है कि अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? 20 रुपए का। सही बात है भैया, करेक्ट बात है। तो एक चीज बताओ, मैंने इस साल एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया? 2.5 लाख रुपए। तो अगर मैंने प्रॉफिट कमाया 2.5 लाख, तो ये 2.5 लाख कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल डालना चाहिए था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बचपन में सीखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2.5 लाख कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए? तो 2.5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 2.5 लाख कमाने के लिए मुझे चाहिएगा 21,000 25,000। आंसर आ गया 12.5 लाख। अगर 2.5 लाख प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितना कैपिटल चाहिए होना चाहिए? 12.5 लाख। 12.5 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो मैं नॉर्मली 2.5 लाख कमाऊंगा। बट आपको क्या लगता है, मैंने 12.5 लाख इन्वेस्ट किए? नहीं भैया, ये जो दुनिया 12.5 लाख इन्वेस्ट करके कमाती, वो तो मैंने सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके ही कमा लिया। जो एक आम आदमी 12.5 लाख इन्वेस्ट करके कमा था, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख इन्वेस्ट करके कमा लिया। मतलब मुझे 2.5 लाख डालना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं डालना पड़ा 2.5 लाख? क्योंकि भैया 2.5 लाख मेरे नाम का पैसा है, मतलब 2.5 लाख हो गई मेरी गुडविल। तो फॉर्मूला अगेन बना लो, फॉर्मूला खुद कॉमन सेंस से। गुडविल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्सपेक्टेड कैपिटल कितना आया था हमारा? 12.5 लाख। एक्चुअल कैपिटल हमारा कितना है? 12 लाख। तो हमारी गुडविल कितनी हो गई? 2.5 लाख। तो ये हो गई हमारी गुडविल। आप ये वाला फॉर्मूला भी खुद चाहो तो बना सकते हो कि एक्सपेक्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे। खुद बनाते हैं फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड कैपिटल का फॉर्मूला। ये 2.5 लाख क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। तो पहले ऊपर लिख दो एक्चुअल प्रॉफिट, नीचे हमने क्या दिया है 20%, यानी कि नॉर्मल रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न जो भी आप कहना चाहो, इनटू 100%। तो आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज है यार। अगर आप में कॉमन सेंस हो कि फॉर्मूले खड़े खड़े बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। वापस एक बार ध्यान देना, सुपर प्रॉफिट मेथड में प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटल को कंपेयर करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में एक्चुअल प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को, जबकि कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग एक्सपेक्टेड कैपिटल से माइनस करते हैं एक्चुअल कैपिटल को, राइट? सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड में एक ही फॉर्मूले से सीधा आंसर, इसमें ईयर ऑफ परचेज की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट में जो सुपर प्रॉफिट आता है उसको ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिससे हमको हमारी गुडविल मिलती है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर के चारों मेथड्स हो गए। मैंने कहा था ना, एक ही सिंगल वीडियो में मैं चारों मेथड्स बता दूंगा। इसके बाद के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं, उसके बहुत जल्दी सारे के सारे वीडियोस में यूट्यूब पे, हमारे एप्लीकेशन पे, सब जगह एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डालेंगे हम लोग।
जिसको जिसको अभी भी प्रीमियम कंटेंट नहीं दिख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्रीमियम मेंबर्स बन जाइए, आ जाइए, मजे से पढ़ेंगे। और जिसको कोई भी डाउट्स हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कोई भूल हो रही है, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बट मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि गुजरात बोर्ड पे जी जान लगा के काम कर सकूं, और मुझे आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं वापस से अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको सिखाने के लिए जरूर आने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय।